मिमिक्री मैकर्स, एक बार मैकेनिक्स का पेपर देने आ जाते और उस पेपर में म्यू की वैल्यू नहीं थी, उसी वजह से जो बखेड़ा खड़ा हो जाता है वो कुछ इस कदर है। पहले शाहरुख खान पेपर देखते हैं, अरे 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 ये कैसा सब है रे यार, जिसमें व्यू की वैल्यू ही नहीं दी गई यार, अरे बाप अरे बाप अरे बाप, कैसे सॉल्व करूं ये सवाल, कभी 29 पे तो कभी 31 पे, तो कभी 31 पे तो कभी 34 पे, अरे हमेशा यही सिलसिला होता रहा है मेरी जिंदगी में, अरे ओ सर अरे ओ सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर, इतना है अपने सोनी भाजी, तुम कुछ कहने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा, पहले आइटम के वक्त सम सही था पर वैल्यू गलत, दूसरे आइटम के वक्त सम गलत था पर वैल्यू सही, हमेशा यही होता रहा है इस पेपर में, शायद अगले आइटम तक सड़क का कोई ट्रक आके मुझे कुचल देगा और रह जाएगी मेरी केटी, केटी पे केटी, केटी पे केटी, दे दे के मैं परेशान हो चुका हूँ, इतना मैं तू चाय पी, तू चाय पी ना, अरे केटी पीटी आ गया अपनी बेटी है रे केटी, क्या अगले अटेम्प्ट तक हम लोग पास हो जाएंगे, छोड़। तो इतने में एक खामोश आदमी ऐसे आराम से बैठा रहता है, अपने दिलीप कुमार साहब, ए भाई भाई कौन ने कह रहा है केटी पे केटी केटी पे, कोई कल कोई कमबख्त हमसे भी कहेगा ये केटी क्यों मांगी जा रही है, पहली बार बार चिल्ला चिल्ला के एक ही बात चला, केटी पे केटी केटी पे केटी, भाई क्यों वैल्यू दी गई है तो कोई 12th पास करके का इसको सॉल्व नहीं कर सकता, सॉल्व करने की जरूरत भी करता है तो उसे नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ेगा। तो इतने में गब्बर हरियो सब का पेपर निकाली है यूनिवर्सिटी पर, पूरे 140 सरकार रे सब पास होने में कितने मार्क्स लगते हैं रे, पूरे 40 सरकार रे सब कितना मार्क्स का पढ़ाई किए रे हम, पूरा स्टैटिक सरकार पर सरकार पेपर में म्यू की वैल्यू दी नहीं गई है, ठाकुर हे ठाकुर हमका म्यू का वैल्यू दे दे, ठाकुर जब तक तुम डायनामिक्स नहीं पढ़ लेते तुम्हें म्यूजिक वैल्यू नहीं दूंगा,
के हाथ टूट जाते इतने में सीनियर सिटीजन अमिताभ बच्चन इसी पेपर से नींद इतनी मजबूत है कि कोई ट्रेन पास करता मेरे दिमाग और कैसी कैसी इस कम को सॉल्व निकालता इतने में राजेश पांडे अरे ड्रॉपर चूक रही है काफी भड़क जाते काफी गुस्सा हो जाते काफी गुस्सा आ जाते अपने अग्निपथ के अंदाज में अरे सुनो मैं मैं ड्रॉपर तेरा इतना सता एक हसी के सर्टिफिकेट के साथ पतंग खेता था मालूम तेरा 3 साल का डिप्लोमा 8 साल में क्या मालूम मैं ड्रॉपर पास हुआ कॉलेज में एडमिशन लिया पूरा 2.5 लाख दिया मालूम एक नहीं दो नहीं साला पूरा 2.5 लाख मेरा 8 वाटे में इतने में बाद में क्या होता एक सिंगर है माँ सरस्वती देवी लता मंगेशकर लता मंगेशकर जी बैठी रहती ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पेपर में म्यूट की वैल्यू नहीं हो मेरी छोटी बहन आशा अभी फर्स्ट ईयर में है मैं नहीं चाहूंगी कि वो फेल हो ये उन दिनों की बात है जब पंचमदा और मन्नाड़े साहब के साथ मैं चिटले के पास होती थी काफी अटेंडी है पर हमेशा 40 पे ही लटकती थी तो हो गया लता मंगेशकर जी बाद में हमारे होनहार स्टूडेंट आते हैं नाना पाटेकर सर पिछले 4 साल से अटेंड दे रहा हूँ अब तक पास नहीं हुए क्या करूं मैकेनिक से कभी पेपर टफ आता है तो कभी चेकिंग इजी कभी पेपर इजी तो चेकिंग भी इजी आज तक समझ नहीं पाया ये क्यों होता रहता है ऐसे काफी किस्से हो गए हैं मेरे लाइफ में पता नहीं क्यों होता है एक बार यूं ही बैठा था बुक खोल के कई चैप्टर आए मेरे सामने उनमें से 2 देखे सेम ही दिमाग घूम गया था मेरा 2 चैप्टर देखे ये इक्विलिब्रियम का सम या फिक्शन का सम कोई फर्क है नो न्यूटन का 10 मिनट का मजाक यहाँ पर लोग 8-8 दिन तक खेल रहे चलिए म्यू की वैल्यू चलिए 1 म्यू की वैल्यू हमें केटी दे जाए चलिए पता नहीं चलता दैट्स इट गाइस अरे ओ गॉड